नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया, स्वागत है आपका। सो गाइस, और एक लेक्चर। नाउ दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी ऑन पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। वैसे तो हो सकता है आपने ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इंटर में पढ़ा होगा, बट आप भूल गए होंगे, या उसका कनेक्शन कैसे है, लॉजिकली कैसे याद रखना है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उसके पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना ना भूले, बिकॉज और भी इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है रिलेटिंग टू SCPM, AFM, पेपर नंबर 6, IBS, देन इन दैट केस यू शुड नो ऑल ऑफ इट दैट विल कम फ्रॉम माई एंड। ठीक है, सो ऑल ऑफ इट प्लस ये जो नोट्स है जिसे मैं पढ़ाने वाला, इसका जो रेफरेंस है, ये रेफरेंसिंग आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। कई बार स्टूडेंट मुझे अलग से व्हाट्सएप करते हैं कि सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, और मैं बोलता हूँ अरे टेलीग्राम चैनल पे डाला तो है। तो बोलता अरे सर बट मैं टेलीग्राम चैनल पे नहीं। तो अब ऐसे कैसे चलेगा दीदी। सो आपको क्या करना है, यस कमेंट्स में जाके टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करना है एंड देन गेट स्टार्टेड। सो इंडस्ट्रीज फाइव फोर्सेस एनालिसिस, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माय कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स हु हैव गिवन SCPM, वो लोग बोलते हैं कि ये अराउंड 8 to 10 marks के लिए आता है, एंड हेंस प्रेजेंटिंग द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। कैसे लग रहा है वीडियोस, डू लेट मी नो, डू क्लिक शेयर, एंड डेफिनेटली और कुछ चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स, विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। चलो अब वैल्यू चेन एनालिसिस को फर्दर सब डिवाइड किया है। वैल्यू चेन एनालिसिस के भी तीन कंपोनेंट है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसको प्यार से पोर्टर्स फाइव फोर्सेस भी कहा जाता है, कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस। ठीक है ना, तो अगेन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, बाहर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के तीन, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। दो बार वैल्यू चेन एनालिसिस के तीन, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस, सेगमेंटेशन एनालिसिस। आओ पढ़ते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसको प्यार से कहते हैं पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। पोर्टर्स क्या बोलता है कि भाई देखो अगर कोई भी नया बिजनेस चालू करना है देन इन दैट केस आपको ये पांच क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अपने आप को, अपने बिजनेस को, और इस बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो हाईली कॉम्पिटेटिव है, नॉन कॉम्पिटेटिव है। क्योंकि मालूम पड़ा अगर बहुत हाईली कॉम्पिटेटिव है एंड वहां पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का स्कोप नहीं है, देन इन दैट केस क्या मतलब है, यू विल अननेसेसरीली वेस्ट योर टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी। और अगर वो नॉन कॉम्पिटेटिव है देन इन दैट केस कितना स्कोप है आपके लिए। सो वो सब सवालों के जवाब कौन देगा आपको, ये पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, फिर है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, फिर है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, एंड फिर है राइवलरी अमंग्स द कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो आजकल हो गई है कंज्यूमर के हाथ में, ठीक है ना। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री जो हाईली कॉम्पिटिटिव है उसमें बायर के पास पावर होता है। जैसे आज की तारीख में मोबाइल, ठीक है ना, पहले क्या होता था, मोबाइल खाली एक या दो ब्रांड्स के आते थे, देयर वॉज हार्डली वन और टू ब्रांड, एक मोटरोला था और एक कोई एक दो ब्रांड था। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो ब्रांड्स थे ना वो लोग के पास मोनोपोली था, क्या कि भाई भाई हमारे ब्रांड लेना पड़ेगा। बट आज की तारीख में मेरे पास ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एप्पल, सैमसंग, कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब अगर मैं मोबाइल लेने के लिए जाऊंगा वन प्लस के पास और वन प्लस ने ज्यादा नाटक किया ना, मेरे को वन प्लस ज्यादा नाटक मत कर, जाओ क्या सैमसंग में, ए सैमसंग जाओ क्या तेरे कॉम्पिटिटर एप्पल के पास। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जहां पे आए होता है ना, द बायर विल ट्राई टू मिनिमाइज द प्राइस बिकॉज उसको पता है दैट ही हैज द पावर। सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाइज। अच्छा चलो पहले एक बार फटाफट ये रीड कर लेते हैं। अबिलिटी ऑफ द बायर्स टू पुश द प्राइस डाउन। क्यों, तेरे पास नहीं, चल मैं किसी और के पास जाएगा। आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, कितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गए सेम, जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स हैज इंक्रीज। डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ परचेज बाय बायर्स। अगेन इसमें भी होता है कि भाई अगर मैं बल्क परचेज कर रहा हूं देन इन दैट केस मैं बोलूंगा भाई चलो मेरे को कुछ बेनिफिट चाहिए और बेटर डिस्काउंट चाहिए। अपन सब करते हैं ना भैया, एक का कितना हुआ भैया, 100 लेने का है, क्या भाव लगाओगे बताओ ना जरा। सो वॉल्यूम के बेसिस पे भी अपन बार्गेनिंग करते हैं।
कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स इज लो। अगर मेरे को सपोज मैं अभी कहीं और से प्रोडक्ट ले रहा हूं, ठीक है ना, मैं ए मेरा सप्लायर ए है जहां से मैं ले रहा हूं, अब अगर मेरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हाई है और मेरे को स्विच करना है मेरा सप्लायर, तो इजिली अगर मैं कर सकता हूं कि भाई चल ए नहीं बी से ले लूंगा, बी नहीं सी से ले लूंगा, इट कैन इजिली बी डन। देन इन दैट केस अगेन इट इज एन इश्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेड ले रहा हूं, अब मैं अब तक ए कंपनी की ब्रेड ले रहा था, अब मेरे को बी कंपनी में स्विच होना है, कोई बड़ी बात नहीं है, देर इज नो स्विचिंग कॉस्ट एज सच इन्वॉल्व, ठीक है ना। ब्रेड है एक ही ले आया, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, कल भी की ले आएंगे, ठीक है ना, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। हाँ अगर मैं टेलीविजन ले आया, इन दैट केस 10 साल तक तो टेलीविजन नया नहीं खरीदूंगा ना, सो उस केस में बार्गेनिंग थोड़ा मतलब बोलते ना कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बिकम्स हाई। हाई नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स स्पेशली एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स है, तो एज आई सेड बिकम्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द बायर। सो इसके लिए कई बार बोलते हैं कॉम्पिटिशन इज वेरी बेनिफिशियल टू द कस्टमर्स। चलो सेकंड पे आते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स वाइस वर्सा। सप्लायर बोलता है मैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं ना, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करके देगा, तेरे को चाहिए तो मैं जो प्राइस पे दे रहा हूं वो ले। तो अगर कोई यूनिक रॉ मटेरियल है जो खाली अपना आपका सप्लायर सप्लाई करता है, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है व्हेन इनपुट इज इंपॉर्टेंट टू द बाइंग फर्म, एंड आप जो सप्लायर से ले रहे हैं इनपुट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी फ्यू सप्लायर्स या फिर ऑल्टरनेट इज नॉट अवेलेबल, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। So, वो अभी आज की तारीख में वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल सबको आता है, इट इज वेरी वेरी इजी टू ऑपरेट। एंड आज की तारीख में कोई भी लैपटॉप खरीदता है तो क्या वो बोलता है कि मेरे को ओरेकल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल के दो, मेरे को एप्पल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डाल दे दो। नहीं 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 लैपटॉप है तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर चाहिए, बराबर। सो सप्लायर कौन है, वो सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट, बार्गेनिंग पावर उसका हाई है उस चीज में। फिर थर्ड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या आपका प्रोडक्ट को इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है क्या। जैसे एकदम एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, पेपर इंडस्ट्री को एक थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आया ई बुक की वजह से, बराबर कि नहीं। से फॉर एग्जांपल मैं सेलिंग ऑफ पेपर्स करता हूं, ठीक है ना, मार्केट में मैं पूरे पेपर सेल करता हूं, मतलब अगर किसी को बुक बनाना है देन इन दैट केस वो पेपर कहां से खरीदेगा, मेरे पास से, बराबर। अब होते क्या जा रहा है, बुक का पूरा कॉन्सेप्ट ही चले जा रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग ई बुक, राइट। पहले जैसे न्यूज़पेपर्स, कितने न्यूज़पेपर्स सब लोग रीड करते थे, आज की तारीख में न्यूज़पेपर्स का कंजम्पशन है रिड्यूस ड्रास्टिकली। तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के भाई अब वो जो फिजिकल न्यूज़पेपर्स होते थे वो मोबाइल पे आ गए, एट द क्लिक ऑफ अ बटन मोबाइल पे अपने को हर न्यूज एक सेकंड में मिल जाता है। सो दैट्स वेयर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कम्स इन। व्हेन मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कस्टमर्स आर लाइकली टू स्विच सप्लायर्स इजीली। तो उसके कारण आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यूज करना पड़ेगा ताकि वो स्विच ना करे, राइट। जैसे और एक मैं अगर इसमें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बोलूं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ओला उबर, सो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कौन थ्रेट दे रहा है, ओला उबर। अभी अगर समझो मेरे को कार खरीदनी है तो मैं 2 बार सोचूंगा, बोला कार खरीदने की जरूरत है क्या, उससे अच्छा उसका जो सब्स्टिट्यूट है ओला उबर बुला लेता हूं ना, एक सेकंड में मेरे गाड़ी के नीचे, मेरे घर के नीचे आ जाएगा, फ्री शॉफर मिल गया मेरे को, ठीक है ना। कभी अगर आप थॉट प्रोसेस के साथ लॉजिकली कैलकुलेशन करोगे ना, देन इन दैट केस आपको रियलाइज होगा कि ओला उबर तो काफी सस्ता है, बट ऑब्वियसली डजंट गिव यू द प्रेस्टीज सिंबल और वो सब जो अलग चीजें एसोसिएटेड है वो आपको नहीं मिलेगी, बट अदर देन दैट ओला उबर इज वेरी नाइस एज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। अभी किसी कोई आदमी है जिसको ये सब शोशा और ये सब टाइम पास का नहीं जरूरत है, देन इन दैट केस को बोलेगा भाई ओला उबर अच्छा है ना, क्या क्या खोटा है। जैसे ओला उबर, ओला का ओनर भविष्य अग्रवाल बोलता है मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं है, मुझे कभी भी कुछ चाहिए आई बुक इट ऑन माई ओला ऐप, आ जाता है गाड़ी एंड चलो, बट उस अलग आदमी है भाई, ऑलरेडी 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, तो वैसा। सो कार कंपनीज को ओला उबर का अगर यू कैन से एक थ्रेट है, सो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। फिर बाद में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, क्या अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इजीली आते जा रहे हैं क्या लोग, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन। अब आज की तारीख में मैं बोलूंगा अरे वाह यार जियो आया ना, तो जियो तो क्या सही पैसा कमा रहा है और क्या प्रॉफिट कमा रहा है, चल मैं भी टेलीकम्युनिकेशन में जाता हूँ। ओ भाई साहब
क्या 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है तो इजीली है क्या एंटर करना इंडस्ट्री में? नहीं, पेन नहीं बनाना है अपने को कि भाई चलो बना लेते हैं, या अपने को कैलकुलेटर नहीं बनाना है कि इजीली एंटर कर जाओगे, समझ रहे हो? सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करो उसमें न्यू एंट्रेंट्स का आना कितना ईजी है, या एयरलाइन इंडस्ट्री वेरी डिफिकल्ट, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, हाईली रेगुलेटेड फॉर्म्स है बाय लॉ, इट्स नॉट दैट इजी। सो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितना इजी है न्यू एंट्रेंट्स का आना। डिपेंड्स ऑन बैरियर्स ऑफ टू एंट्री एंड परसीव्ड प्रॉफिटेबिलिटी इन द इंडस्ट्री। सो हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन में लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट हो, बट क्या उस इंडस्ट्री में एंटर ही कर पाओगे क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज हाईली हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके, पॉलिटिकल कनेक्ट्स चाहिए आपको उसके लिए। वैसा इंडस्ट्री विद ह्यूज कैपिटल माइट नॉट हैव थ्रेट ऑफ न्यू फर्म्स, रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्ट न्यू फॉर्म्स, कई बार एयरलाइन है लो थ्रेट ऑफ एंट्री, बट पेन स्टेशनरी हाई थ्रेट ऑफ एंट्री। एंड लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, बहुत ज्यादा हार्डकोर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा तो फिर भी प्राइस वॉर हो जाएगा, जैसे कि आज की तारीख में है इन यू कैन से बेवरेज इंडस्ट्री, बेवरेज मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री में, तो कोक कुछ करेगा तो पेप्सी, कोक और पेप्सी का इतना हार्डकोर राइवलरी है, ओला उबर इतना हार्डकोर राइवलरी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट इतना हार्डकोर राइवलरी है वो लोग का, दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी एल्स टू एंटर इन। अभी अगर आज की तारीख में मेरे को एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन बनाना है, मैं नहीं कर चालू कर सकता, क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पे है, मतलब जो मार्केट का भाव है उसे तोड़ कर दे रहे हैं, करोड़ों का फंडिंग है ना वो लोग के पास। अब मैं अगर ऐसे ही कुछ बिजनेस चालू करूं और मेरे पास फंडिंग नहीं है, देन मैं क्या करूंगा? So, देखना पड़ेगा भाई कितना राइवलरी है, इंटेंस राइवलरी है, देन इन दैट केस प्राइस वॉर में अपना को कहीं प्रॉफिट का इंपैक्ट बुरा ना हो जाए। तो ये पांच बोलते ना, वो गाना गाना पड़ेगा, मेरे सवाल का जवाब दो, ये पांचों का जवाब दो ना। तो इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स रिजॉर्ट टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू विन मोर कस्टमर्स। इंटेंसिटी इज हाई कब? व्हेन फर्म्स आर ऑफ इक्वल साइज, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है अगर इंडस्ट्री में, डिफिकल्ट इन डिफरेंसिएशन, हाई एग्जिट बैरियर्स है, फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, तो ये सब चीज की वजह से कई बार बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है। अब लास्ट में एक क्लोजिंग पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखना, हायर द अबव कंपोनेंट्स हायर द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। तो एक होना चाहिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, एंड लास्ट है इंटेंसिटी या राइवलरी अमंग फर्म्स। ए समझिगड़ू। सो इन पांचों इंडस्ट्री स्ट्रक्चर या पोर्टर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। Okay then, so I hope we are all now clear with the concept of Porter's five forces analysis. All right, guys. Milte hain jaldi next session mein. Till then, stay subscribed, stay liked. Hasta la vista. Keep smiling. Thank you so much. Bye bye. Take care.